Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and today I am going to discuss a very important question with you. What is that? कि dehydration of alcohol के लिए why do we use only concentrated H2SO4? Why do we not use alkaline medium or why do we not use hydrochloric acid or nitric acid? हम केवल और केवल sulfuric acid ही क्यों काम में लेते हैं? हम alkaline medium में क्यों नहीं dehydration of alcohol करके alkenes का synthesis करते या हम HCl और HNO3 को क्यों नहीं काम में लाते? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये alcohol molecule है. अगर आप इसमें बेसिक मीडियम OH माइनस रखेंगे तो बिकॉज OH माइनस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में पुअर लिविंग ग्रुप है और जब आप एल्कलाइन मीडियम रखेंगे तो एल्कोहल विल रिमेन एल्कोहल, तो इसमें OH ग्रुप का एलिमिनेशन मुश्किल हो जाता है. लेकिन जब आप इसका एसिडिक मीडियम कर देते हैं, एसिडिक मीडियम में H+ इस लोन पेयर से अटैक करके या इससे रिएक्शन करके क्या बना देता है यहाँ पे एल्कोहल का पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन, जो कि हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़ जाता है तो एल्कोहल का पॉजिटिव आयन बन जाता है. यहां से ये ऑक्सोनियम आयन जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव है ये एलिमिनेट हो जाता है. ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये जल्दी से एलिमिनेट हो जाता है और आपको क्या मिल जाता है कार्बोनियम आयन. तो आपने देखा जो फर्स्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन के लिए कि OH ग्रुप इसमें से एलिमिनेट हो जाए तो वो एसिडिक मीडियम में ही पॉसिबल है, एल्कलाइन मीडियम में पॉसिबल नहीं है. तो अब एसिडिक मीडियम के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं लेते, हम सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों काम में लाते हैं? तो ध्यान दो, अगर HCl में से H+ इसके पास जाएगा तो जो रेस्ट ऑफ आयन होगा वो क्या होगा, क्लोराइड आयन होगा. दूसरा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड में से एक H+ इसके साथ जाएगा तो पीछे जो आयन बचेगा वो सल्फेट आयन होगा, हाइड्रोजन सल्फेट होगा. और नाइट्रिक एसिड में से अगर H+ जाएगा तो जो पीछे आयन बचेगा वो नाइट्रेट आयन होगा. तो ध्यान दो, ये जो क्लोराइड है इट इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफिलिक एजेंट, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये तुरंत जाके इस प्लस के ऊपर अटैक करेगा और आपको दे देगा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. जबकि आप सोच रहे हो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बने और रिएक्शन हो जाती है सब्स्टिट्यूशन की, लेकिन ये दोनों आयन जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं है. Why? क्योंकि इन दोनों में रेजोनेंस पॉसिबल है. जैसे ही आप इसमें से H+ निकालेंगे, इसमें से H+ निकालेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा. ये रेजोनेंस के साथ डीलोकलाइजेशन होने के कारण ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके इस कार्बोनियम आयन पे अटैक नहीं करते और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं देते. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, फिर हम नाइट्रिक एसिड को क्यों नहीं काम में लाते, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जब पहले एल्कोहल को देखेगा तो वो ये वाला स्टेप होने ही नहीं देगा, क्या करेगा तुरंत एल्कोहल का, बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इट विल ऑक्सीडाइज एल्कोहल एंड गिव एल्डिहाइड एंड फर्दर इट विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड एंड इट विल गिव यू एसिड. तो इसीलिए आपका जो टारगेट था एल्कीन सिंथेसिस वो नहीं होता बल्कि आपको एसिड मिलता है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हम या तो H2SO4 काम में लाते हैं या हम लाते हैं सॉल्ट. कौन से सॉल्ट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट. इस टाइप के सॉल्ट लाने पर हम क्या देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है. ये जो कार्बोनियम आयन है इसके अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो जाता है और आपको मिलता है एल्कीन. तो आपने देखा क्यों हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के लिए एल्कलाइन मीडियम काम में नहीं लाते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम में नहीं लाते और नाइट्रिक एसिड नहीं लाते, हम सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही काम में लाते हैं. होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट. थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.